Hey guys, once again, welcome back to Bikers World. तो आज हम लोग इस फॉग स्प्रे का रिव्यू करने जाने वाले हैं. दिस इज द टेक्सा फॉग गॉन स्प्रे. तो ये बेसिकली आपको हेलमेट वाइजर के लिए बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि बाइकर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है जिनके पास पिनलॉक सिस्टम नहीं रहता है, या फिर कोई कोई इसमें पिनलॉक सिस्टम भी रहता है बट एंटी फॉग बहुत ही कॉस्टली जाता है, 2,000-3,000 रुपीज़ के. तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है. तो आज इसका ही रिव्यू करने जा रहे हैं. रिव्यू मतलब हम लोग ये अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद ये कितने हद तक आपको फॉग से मुक्ति देता है, ये देखने वाले. तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. तो ये जो फॉग गॉन स्प्रे है, ये आपको मिरर ग्लासेस पे, मतलब कार या बाइक के मिरर ग्लासेस पे, कार्स के विंडशील्ड पे, इवन बाइक्स के भी विंडशील्ड पे, मिरर्स पे, हेलमेट वाइजर्स पे, या फिर आप स्पेक्स हो गए, कोई कोई लोगों को स्पेक्स रहता है तो उसमें भी ये काम आने वाला है. एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज इसके साथ आपको एक माइक्रोफाइबर फ्री मिल जाता है. इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, फिलहाल हम लोगों ने ग्रीन लिया. तो ये आपको 125 रुपीज़ का माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसमें फ्री मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हो आपके वाइजर पे. तो आज हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं इस वाइजर पे. तो ये एक्सोर का वाइजर है, तो आज इस पे अप्लाई करने वाले हैं. और ये मैंने बीच में एक रेड पट्टी डाला है, क्योंकि हम लोग एक साइड पे अप्लाई करेंगे, एक साइड पे नहीं करेंगे. फिर हमारे पास यहाँ पे एक स्टीम मशीन है, तो स्टीम मशीन की मदद से हम लोग देखेंगे कि ये कितने हद तक आपको काम में आएगा वो. तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट कर लेते. तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ साथ में आता है ये वाला, इससे आपको प्रॉपरली इसको क्लीन कर लेना है वाइजर को, अंदर बाहर दोनों साइड से. तो अभी मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग राइट साइड का जो पोर्शन है इस पे अप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड वाले में कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे. तो सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लीन कर लिया है. क्लीन करने के बाद आप थोड़ा सा पास में आ जाइए, आपको इसको प्रॉपरली शेक कर लेना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वैसे. ये अभी मैंने प्रॉपरली शेक कर लिया. राइट साइड में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में नहीं कर रहे. और शेक करने के बाद आपको इसको स्प्रे कर देना है इस पे कुछ इस तरीके से, हार्डली एक 2-3 स्प्रेज इनफ हो जाता है. तो ये अभी आप देख सकते हो मैंने ये राइट साइड में अप्लाई किया हुआ है, लेफ्ट साइड पूरा खाली है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे उड़ गया है तो उसको साफ कर देता हूँ. सो ये कुछ इस तरीके से अभी अप्लाई करके आपको इसको मिनिमम 5 मिनट्स रख देना है. इस पे एक्चुअली लिखा हुआ जो है वो है 15-20 seconds, बट हम लोग रेकमेंड करते हैं हर किसी को कि आप 5 मिनट्स उसको रख दीजिए, मिनिमम 5 मिनट्स रखना उसको. तो 5 मिनट्स इसको सेटल होने के लिए रख देना, ये जो हमने अभी स्प्रे किया है उसको सेटल होने के लिए 5 मिनट्स रख देना. इस पे कुछ भी पानी या कुछ अप्लाई मत करना. सेम प्रोसेस हम लोग बाहर वाले साइड भी करने वाले हैं, तब तक इसको पहले शेक कर लेते और फिर यहाँ पे हम लोग स्प्रे कर देते बाहर वाले साइड भी. देखते बाहर वाले साइड भी ये कितने काम में आता है वो. सो ये अभी मैंने बाहर वाले साइड भी इसको अप्लाई कर दिए, और यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा था वो पोंछ लेता हूँ एक बार. अंदर और बाहर दोनों साइड ये अप्लाई हो चुका है. अभी इसको सेटल होने के लिए रख देते 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के बाद सेटल होने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा दूंगा. 5 मिनट्स लेटर. ओके सो गाइस, 5 मिनट्स हो चुके हैं. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको वापस माइक्रोफाइबर लेना है, और हम लोगों ने राइट साइड अप्लाई किया था तो जिस भी पोर्शन पे आपने अप्लाई किया है उसको सिर्फ ऐसे आपको सर्कुलर मोशन में इसको कोटिंग को रब करना है, बट एकदम हल्के हाथों से करना. अभी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको रब करना है कुछ इस तरीके से, जितने भी पोर्शन पे आपने अप्लाई किया होगा उतने. अभी हम लोगों ने अंदर भी किया था और ये बाहर वाले साइड भी किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग रब कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से, और ये सर्कुलर मोशन में ही करना फॉर बेटर इफेक्टिवनेस. तो ये अभी हो चुका है रब. तो अभी इसको टेस्ट कर लेते, इसमें भी अभी मेरे को क्लियर ही दिख रहा है. तो अभी इसको टेस्ट कर लेते, इसके लिए हम लोगों ने ये स्टीम मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, इसको पहले ऑन कर देंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे पास में आके दिखाइए, ये स्टीम आप देख सकते हो कितने फोर्स से आ रहा है. इसमें हम लोग टेस्ट करने वाले. ओके सो पहले राइट साइड में टेस्ट करके देखते हैं. ये मैंने दोनों साइड अभी स्टीम ये किया हुआ है, ये आप क्लियरली रिजल्ट देख सकते हो. ये जो लेफ्ट साइड था इस पे कोई भी स्प्रे अप्लाई नहीं हुआ था, और राइट साइड पे हुआ था. यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है वहां पे स्लाइटली स्प्रे इसका रह गया, इसलिए वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि फॉग नहीं जमा हुआ है, बट
आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा मशीन उठा लेता हूँ सो दैट आपको दिखने में आ जाए। ये देखिए लेफ्ट साइड में पूरा फॉग जमा हो गया और वहां पे राइट साइड में जरा भी फॉग नहीं जमा हुआ। अभी अंदर वाले साइड देखते हैं सेम प्रोसेस करके। मैं ऊपर से पोंछ लेता हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा। ओके सो अभी मैंने बाहर वाले साइड से पूरा पोंछ दिया है। अभी वापस आप देख सकते हो दोनों साइड क्लियर है। तो अभी अंदर वाले साइड से देखते हैं फॉग जमा होता है कि नहीं। पहले हम लोग लेफ्ट साइड पे मारेंगे, ये आप देख सकते हो तुरंत फॉग जमा हो गया। सेम हम लोग राइट साइड पे मारने वाले, ये जरा भी फॉग नहीं जमा हो रहा है। एज यू कैन सी ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा फॉग जमा हो गया और वहीं पे राइट साइड में जरा भी फॉग नहीं जमा हो रहा है। ये ऐसे मैं दिखा दूंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये लेफ्ट साइड है और फॉग ही जमा हुआ है पूरा और राइट साइड में जरा भी फॉग नहीं जमा हुआ है। वापस एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो ये स्टीम भी चालू है अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो। स्टीम भी पूरा चालू है। सो यस, ये एंटी फॉग स्प्रे काम का है। आपके सामने ही रिजल्ट है, ये रिजल्ट है फाइनल। लेफ्ट साइड में फॉग जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्प्रे नहीं अप्लाई किया था, वही राइट साइड पे हम लोगों ने स्प्रे अप्लाई किया था, यहाँ पे जरा भी फॉग नहीं जमा हुआ है। तो एंटी फॉग स्प्रे बहुत ही काम की चीज है। सो दैट्स इट गाइज, ये एक्चुअली काम की चीज है फॉग स्प्रे। आपके सामने ही रिजल्ट है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में फॉग जमा हुआ है। वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हो स्टीम भी चालू है और ये यहाँ पे मैं राइट साइड में मार रहा हूँ, जरा भी फॉग नहीं जमा हुआ है। वही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फॉग ही फॉग जमा हो चुका है। सो ये बहुत ही काम की चीज है एंटी फॉग स्प्रे, स्पेशली रेन्स में, क्योंकि रेन्स में बारिश गिरती होती है तो हमें वाइजर ऑब्वियसली डाउन करके ही चलाना पड़ता है। वहाँ पे बहुत फॉग जमा होता है क्योंकि हम लोग ब्रीथ करते हैं अंदर, तो उसकी वजह से फॉग जमा होता है और जो सामने वाला रोड रहता है वो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो जिनके इसमें पिनलॉक नहीं है या पिनलॉक कॉस्टली है, जिनको वो अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए ये स्प्रे है। ये स्प्रे बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है और ये काम भी कर रहा है। रिजल्ट तो आपके सामने ही है और एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है, प्लस इनका बेस्ट पार्ट है कि ये लोग माइक्रोफाइबर साथ में देते हैं इसी प्राइस में। तो माइक्रोफाइबर आपको साथ में मिलेगा तो आपका वो क्लीनिंग का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। सो अभी इसके प्राइस रिलेटेड बात कर रहे थे, तो इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज है। 350 में आपको ये स्प्रे मिल जाएगा और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन के बारे में पूछोगे, मतलब कितना स्प्रे अप्लाई कर सकते, कितना चलेगा क्या, तो वो हम लोग नहीं बता सकते। यूजुअली जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी इसको, तो मैं हार्डली एक जगह पे, मतलब अगर मैंने इतना सरफेस देखा तो इतने सरफेस पे मैं 2 या 3 स्प्रे करता हूँ। ऐसे मैं पोर्शन पकड़ लेता हूँ, 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ और उसमें 3-3 स्प्रे अप्लाई करता हूँ। तो एक बॉटल आपका आराम से पकड़ लो, एक मानसून तो चल जाएगा, इनफ है। और ये एक बॉटल जो है ये 100 ml का है, तो ये आपका आराम से मानसून निकाल लेगा। अगर आप डेली यूज करोगे तो एक 2 months तो आराम से निकाल देगा। अगेन आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड है, वो आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हो वो। मैं तो सिर्फ हेलमेट के वाइजर पे अप्लाई करता हूँ, सो मेरा आराम से अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है और ये आराम से चल जाएगा मेरा पूरा मानसून। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिला होगा फॉग के लिए। क्योंकि हम लोग को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कोई ऐसा स्प्रे बताइए जो एंटी फॉग रहेगा, क्योंकि पिनलॉक बहुत लोगों को अफोर्डेबल नहीं लगते और बहुत कॉस्टली है, तो पिनलॉक सब लोग खरीदते नहीं है बारिश में, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज है एंटी फॉग स्प्रे टेक्सा का फॉग गॉन करके। सो दैट्स इट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा आपका, और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दीजिएगा। बाय द वे थैंक यू सो मच, हम लोगों के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए सबका थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, #gearupyourride।